सब्जेक्ट बड़ा ही सिंपल और यूनिक और इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल है, और वो ये है कि एक महाराष्ट्र का किसान एक दिन अपनी बीवी और बच्ची के साथ आगरा पहुंच जाता है और वहां जाके ताजमहल के बाहर खड़े होकर ये अनाउंस करता है कि ये ताज जिस ज़मीन पे बना है वो ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखों की है और वो हमें वापस चाहिए। तो उसके बाद ऑफकोर्स आगे क्या होता है ये आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा, बट ये माजरा है। इसीलिए आप पोस्टर में देख रहे हो कि हम दोनों तो बड़े खुश है ट्रैक्टर के ऊपर, और महाराष्ट्र पेशवा पूरा गेटअप वैसा है, और ताजमहल को हमने जंजीरों में वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि लोग उसको पूछते हैं कि चलो अगर मान भी लिया यू नो कि ताजमहल की ज़मीन तुम्हारी है तो जब तुम्हें मिल जाएगी तुम क्या करोगे, तो वो कहता है कि ताजमहल को वहाँ से हटाएगा और मैं वहाँ पर अपना खेती बाड़ी करेगा। काहे को मालूम, मैं किसान आदमी है, हमको खाली किसानी आती है तो हम उतना ही करेंगे। इसीलिए वो ताजमहल को उसने हटाया है और वहाँ से वो लेके जा रहा है। मुझे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको ही पता है श्रेयस भी एक क्लासिक फिल्म करते हैं, मतलब पास लेकर आप तक आप भी आपका फिल्म जैसे सिलेक्शन होता है वो भी बहुत क्लासिक होता है, मतलब तो आप दोनों का जो मैच है वो कितना ज़्यादा मतलब करेक्ट एक्यूरेट है अगर इस फिल्म के साथ देखा जाए। आई थिंक I'm very happy about this casting, like, you know, this, like, both of us together in this film personally, because first of all, working with an actor like Shreyas, not just because he's sitting out here. Ab sab acha acha bolegi mere baare mein. No, but genuinely, like, you know, when you have a very good actor in front of you, oof, wo bas kar pagli. It helps you grow as an actor. Sorry. Okay. So, I was saying that when you have Shreyas as an actor. When you have an actor like Shreyas opposite you, it helps you grow as an actor. And also, you know, like the reactions and the whole, I could learn so much from him, like with this whole Marathi accent which I had to get in the character. So, you know, I had to work on that a lot. So, Shreyas ne meri bahut madad ki. Usne mere ko apni bahut sari line bhi de di. Thank you, Shreyas. Line isne chheen li. Maine di nahi. इसने छीन ली, डायरेक्टर को अपने जाल में फंसा के इसने मेरी लाइनें छीन ली। सर ये चार लाइनें ही थी, ये अकेला क्यों बोल रहा है, इसमें से एक मेरे को दो ना, दो मेरे को दो ना, ऐसे करके एक सर से एक इससे दो लाइनें छीन ली। सो एनीवे या सो इट वाज ऑसम, आई एम वेरी हैप्पी। जैसे जैसे जाऊंगा ये तो एंटरटेनमेंट मीडियम है, फिर आप कर रहे हैं लोग एंटरटेन होंगे इससे, लेकिन आपको पता है कि जो रियल लाइफ में जो किसानों की मतलब अवस्था है, कितने सुसाइड करते हैं, क्या पॉवर्टी से लड़ते हैं, तो वो एस्पेक्ट क्या शो किया गया इस फिल्म में? मैं एग्जैक्टली मतलब वो बड़ा मुद्दा है, और देर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज जो इस फिल्म में है, बट हम ये समझते थे कि यू नो अगर मैसेज आप ऐसी किसी को प्रीच करने जाओ या बताने जाओ तो लोग ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर आप लोगों को सिखाने जाओ ना कि यार ऐसे मत करो, ये करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है यार तू ज्ञान मत दे, हमें सिखा मत, हम जानते हैं। बट उसी चीज़ को अगर आप थोड़ा एक एंटरटेनिंग तरीके से, थोड़ा कॉमेडी उसमें मिक्स करके, थोड़ा ह्यूमर से, थोड़ा सटायरिकल तरीके से लोगों को हल्की हल्की यू नो थप्पड़ मारते मारते अगर वो उस चीज़ उन तक वो आप पहुंचा दो तो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। मतलब एग्जांपल देना है तो जैसे ओ माय गॉड फिल्म थी, यू नो उसमें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था और वो लोगों तक जिस तरीके से पहुंची और लोगों ने उसके बाद में जिस तरीके से उस चीज़ पर अमल करना शुरू कर दिया, तो हम भी कहीं ना कहीं ऑफकोर्स चाह रहे हैं कि फिल्म तो चले, फिल्म लोगों को पसंद आए, लेकिन उसमें जो मैसेज है उस पर लोग थोड़ा ज़्यादा गौर करें और उसके बारे में कुछ करें, किसानों के बारे में कुछ करें जिसकी वाकई में आज हम सबको ज़रूरत है। और आज अगर हम उस चीज़ को भूल जाएंगे तो हमारा आने वाला कल हमारे लिए ही बहुत यू नो तकलीफ दे होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर इस फिल्म के बाद 1% लोग भी अगर यू नो इस पे अमल करते हैं, एंड इवन 10% ऑफ द फिल्म मेकर्स फील दैट ये सब्जेक्ट के ऊपर ऐसा ही कुछ और करना चाहिए इन रिलेशन टू द फार्मर्स एंड देयर कंडीशन, देन आई थिंक इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर लाइव्स। थैंक यू। और आपको पता है इसका ब्लाउज बैकलेस है। किसान के वाइफ का दिखा दे ब्लाउज। लिसन बट पता है वन थिंग इज देयर कि एक हाँ वन थिंग इज देयर कि लाइक यू नो देयर सम किसान्स हु आर वेल टू डू, नॉट वेरी पुअर, नॉट वेरी रिच, सो आई मीन लाइक वी वर वेल टू डू फार्मर्स इन द फिल्म, राइट? या सो
एक तो मैं महाराष्ट्र हूँ तो महाराष्ट्र थिंग ऑफ कोर्स माय कल्चर आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ माय ओन महाराष्ट्र कल्चर मेरी पूरी फैमिली में लाइक यू नो एवरीबडी माय नानी स्टिल लाइक यू नो वेयर्स अ नवारी साड़ी माय पंजी यूज्ड टू वेयर नवारी साड़ी सो ऑल दैट आई हैव सीन आई हैव ग्रोन अप बिटवीन तो वो कल्चर मुझे एक्सेप्ट करना बड़ा आसान था बस मुझे लैंग्वेज में मुझे श्रेयस ने हेल्प कर दी तो यू नो एंड इट यू नो अभी जैसे हम किसी ने मुझसे पूछा कि आप कपड़े पहन के प्रमोशन में जाते हो अच्छा लगता है यू नो आप लोग ऐसे जाते हो तो मतलब कल्चर महाराष्ट्र कल्चर है इसीलिए करते हो तो देयर आर टू थ्री थिंग्स एसोसिएटेड कि एक तो कैरेक्टर जो है हमारे फिल्म में दोज कैरेक्टर्स वेयर दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स ऑफकोर्स वो थोड़े से टोन डाउन है अभी हमने थोड़ा प्रमोशन के लिए थोड़ा यू नो प्रोड्यूसर ने थोड़ा बजट दिया और हमने अच्छे कपड़े सिलवा लिए बट इस तरीके के कपड़े वो पहनता है तुकाराम पिक्चर में और सुनंदा फिल्म में हैविंग सेड दैट यस समवेयर यू नो अच्छे बात ये कि गणपति बापा के दिन चल रहे हैं और हम कहीं कहीं दर्शन के लिए भी जाते हैं तो अगर हम इस ट्रेडिशनल पहराव में जाते हैं तो लोगों को भी अच्छा लगता है एट द सेम टाइम जो चार लोग देखते हैं उनको भी पता चलता है कि अच्छा महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशनल पहराव इस तरीके का कुछ है धोती है कुर्ता है एक जैकेट और ये गांधी टोपी वैसा एक पहराव है नहीं तो अदरवाइज ये कपड़े सिर्फ कभी कभी शादियों में या अगर घर में पूजा हो तो हम पहनते अदरवाइज पहनते नहीं सो इस बहाने ये दोनों एक तीर में दोनों निशान हमारे पूरे हो गए डिफरेंस तो दोस्त बहुत आना चाहिए मतलब जो आदमी हमें अनाज देता है जो हमें खाना देता है उसकी कंडीशन सबसे बेटर हो और सबसे अच्छी हो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और जो नाना काका और मकरंद अनासपुरे जिस तरीके का काम कर रहे हैं दैट इज़ फिनोमिनल मतलब वो दोनों तो है ही बट उनके साथ और भी कई ऐसे एक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं जो किसानों के लिए अलग अलग तरीके का काम कर रहे हैं कोई उनके गांव में जाके यू नो पानी कैसे बचाना चाहिए कैसे प्रिजर्व करना चाहिए उसकी जानकारी देते कोई उनके साथ काम कर रहे हैं किसी ने गांव पूरे अडॉप्ट कर लिए और उनका बच्चों का एजुकेशन वगैरह सारा देख रहे हैं सो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड समवेयर आई फील इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू एसोसिएट योरसेल्फ विद द राइट पीपल मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छा वो भी कर रहा है अब मैं भी कुछ शुरू करता हूँ इट बेटर है कि अच्छा वो एक मोमेंट चल रहा है उसके साथ आप जुड़ जाओ और उस मोमेंट को इतना बड़ा कर दो कि ऑटोमेटिक महाराष्ट्र का एंटायर एटलीस्ट महाराष्ट्र का कोना कोना जहाँ कोई छोटे से छोटा किसान हो वो सेफ फील करे कि यार मेरे लोग मेरे साथ है अगर कल को मेरे फैमिली को मेरे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो देर आर दिस पीपल हु हेल्प मी आउट इतना कॉन्फिडेंस भी अगर हम उसे दे पाए ना आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट सीनियर थोड़ा सा हाँ वो ठीक है ठीक है उम्र में मैं वैसे एक टिप देता तू थोड़ी दूर खड़ी रहे वहाँ पे कैमरा वहाँ पे अलग तेरे लिए अलग कैमरा लगाया वहाँ What is very beautiful about Shreyas is that he's a very secure actor. He's a very secure actor and he's not scared of helping the other actor or he's not like, oh, what if she does better than me or what if he does better than me. He's a lot of confidence himself in himself and he will always only help the other person grow with him and not try to shun him, which is a beautiful quality. And there are people who have it, but this is very rare. It's very rare. बहुत यार बिकॉज द रोल इटसेल्फ वाज वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि एक तो मुद्दा किसानों के बारे में काफ़ी सेंसिटिव है तो उस मैसेज को भी आई हैड टू मेक श्योर दैट वी गेट दैट थिंग अक्रॉस हैविंग सेड दैट वी हैड टू मेक श्योर कि वो एक लाइट हार्टेड ह्यूमरस तरीके से लोगों तक पहुंचे और उसमें इमोशंस भी है ड्रामा भी है और इतना सारा है सो एक प्लेट पे अगर आपको सब कुछ परोस के एक डायरेक्टर दे दे देन यू नो आप थोड़े ग्रीडी हो जाते हो एंड बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कॉन्शियस कि यार मेरे को हर चीज़ के साथ इंसाफ करना है सो आई थिंक एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा वो कुछ और मांग नहीं सकता वेयर
you get to prove your mettle, you get to perform, you know, to your fullest. So there are very few roles like this that really come into an actor's life, and I'm very happy and fortunate ki ye vataj ka tukaram wala character mere paas hai, kyunki I remember kal kisi ne hame ek message bheja tha ki yaar ye bada interesting lag raha hai tera tukaram wala character jitna promo mein dekh rahe hain, iska please tum log sequel ke bare mein socho ya iski kuch munna bhai jaisi series ke bare mein socho. So I think agar promo se logo ki ye feedback aa raha hai, so that in itself for us is a big big high. Lastly, puchna chahunga, Shreyas, pata hai ki hamari country democratic country hai aur freedom of speech jo hai wo cheez bahut maine rakha hai. To abhi haal hi mein pata hai ki Kapil Sharma ne jo statement diya hai corruption ke bare mein, to aapko lagta hai celebrities ke taur pe aapko pressure rehta hai jab bhi aap aise interview aap de rahe hain, to aap kya bolna cha rahe hain, aapke dimag mein kuch aur hai lekin aap sab express nahi kar pa rahe hain, to cheez ko lekar kya karna chahiye? You're right, you know, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इंटरव्यूज़ देते हैं और बहुत डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, पॉलिटिकली राइट होने की कोशिश करते हैं, और मुझे भी कई बार मेरे दोस्त और मेरी वाइफ और कई बार तो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो बंदा भी रोक देता है कि नहीं यार तू बहुत ज़्यादा बह रहा है तो मत बोल, क्योंकि आज अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हर चीज़ को लेकर, उतना होने की ज़रूरत नहीं है, यू नो, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है. एंड लाइक यू सेड कि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पे अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ना हो तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ गलत हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए. जो पहले आज़ादी थी हर बंदे को बोलने की, आपको सुनना है नहीं सुनना है ये आपके ऊपर है, यू नो, आपको उस पर अमल करना नहीं करना है ये आप डिसाइड करो, लेकिन सामने वाले को जो बोलना है उसको बोलने से मत रोको, बिकॉज आई लाइक मोर पीपल टू बी ऑनेस्ट देन पॉलिटिकली करेक्ट. But yes, we tend to be diplomatic at times, but not every time. There are certain times when we really open up and we talk about what we feel. और ये बात भी उतनी सही है कि हर कोई बंदा दूध का धुला नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज़ के बारे में कह नहीं सकता. वो ठीक है यार, एक चीज़ में उसने गलती की है, आप उसके बारे में उसको सजा दो, लेकिन अगर किसी और चीज़ के बारे में वो बोल रहा है तो उसकी बात सुनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल सिर्फ वाताज पे फोकस कर रहा हूँ. खैर गोलमाल 4 की बातें हो रही है, सो अगले साल वील प्रॉब्ली स्टार्ट दैट, एंड आई एम ऑल्सो यू नो ट्राइंग टू वर्क ऑन पोस्टर बॉयज हिंदी. सो मेरी कल रात को एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई है, सो प्लीज़ वॉच इट, इट्स कम आउट क्वाइट नाइस, इट्स कॉल्ड खामखा. अदर देन दैट आई हैव two more releases after this, wo abhi fada fada aayengi. One is called Baba Black Sheep and one is called Jeena Isi Ka Naam Hai. Back up, ye side se saari aa raha hai isme. Haan ji bas bas idhar se dekho na aap, ये साइड से देखो ना मैडम. हाँ जी वो नस नहीं आई. अच्छा आ रहा है मैम, एक मिनट. हाँ चलेगा.